हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉइस डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, ये टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत ही इजी क्वेश्चन हमारा बनता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप एम्बिएंट एयर क्वालिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉइस के रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जो क्वेश्चन NTA दिसंबर 2018 में पूछा गया था, उसमें बेसिकली पूछा गया था हमारा डे टाइम में परमिसिबल लिमिट नॉइज लेवल की क्या होती है। तो ये क्वेश्चन आपको अभी इजी नहीं लग रहा होगा, मगर आप इस वीडियो के बाद आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा और आप इसे सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो हमारा नॉइस वर्ड है वो हमारा किसी भी रेगुलेशन में इनकॉर्पोरेटेड नहीं था। इसको एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 को 1987 में अमेंड करके इंसर्ट किया गया, और सेक्शन 6B ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे इंसर्ट किया गया। तो दोस्तों, इस नॉइस को इंसर्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गई टू नोटिफाइड द नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये रूल को 2000 में नोटिफाई किया, और इस रूल के अंदर चार कोड में डिवाइड किया गया एरिया को, एंड हर कोड को एक जोन बनाया गया, और हर जोन में डे एंड नाइट में लिमिट डिफाइन की गई। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल है वो एक एरिया कोड में आता है, उसका लिमिट हमारा 75-70 है। बी हमारा कॉमर्शियल एरिया हो गया, उसका लिमिट 65-55 है। सी हमारा रेसिडेंशियल एरिया हो गया, उसका डे टाइम लिमिट 55-45 है। साइलेंट जोन डे टाइम 50-40। तो दोस्तों, इन सब की यूनिट जो हमारी है वो डीबी है। तो आपको दोस्तों यूनिट में भी ध्यान देना है। तो दोस्तों, हमारा जो डे टाइम होता है उसे हम कंसिडर करते हैं 6 AM to 10 PM, और जो हमारा नाइट टाइम होता है वो हमारा होता है 10 PM to 6 AM। तो दोस्तों, ये दोनों टाइम आपको याद रखेंगे, डे का टाइम हमारा क्या होता है, नाइट का टाइम हमारा क्या होता है। और जो हमारा साइलेंट जोन होता है वो हमारा होता है 100 मीटर अराउंड हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोर्ट्स, रिलीजियस प्लेस और एनी अदर एरिया विच इज डिक्लेयर्ड एज सच बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कोई भी एरिया जो हमारा डिक्लेयर करा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ये चार एरिया तो हमारे बिना ये हमारे होंगे ही, जिसके अराउंड 100 मीटर हमारा जोन साइलेंस होगा। और जो हमारा मिक्स कैटेगरी होगा, तो हमारा वो मिक्स कैटेगरी को उन चारों कोड में से एक एरिया कोड में डिफाइन करेगा, और ये पावर दी गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। तो हमारा जो क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था उसका आंसर दोस्तों आई गेस आप इजीली बता पाएंगे। ओके, 50 dB इसका आंसर है। और जो हम दूसरा क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पे हम आपको देखे जा रहे हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।